जमंडी पुलिस द्वारा ट्रैक्टर की डिक्की से 1,10,000 रुपए की चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों के कब्जे से 1 देशी पिस्तौल में 3 जिंदा कारतूस बरामद कर चोरी की गई 1,10,000 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर दी गई है। उप निरीक्षक कपिल सौराष्ट्र ने बताया कि मंदसौर कृषि मंडी से रायडे की फसल बेचकर आ रहे किसान के ट्रैक्टर की डिक्की से अज्ञात व्यक्ति ने 1,10,000 रुपए की चोरी की है। फरियादी धनराज पिता कन्हैयालाल पाटीदार निवासी रूपी थाना मल्हारगढ़ ने रिपोर्ट की है कि अज्ञात बदमाश टुपिया मंडी चौपाटी से डिक्की में रखे 1,10,000 रुपए नकदी चुरा कर ले गए। उक्त रिपोर्ट पर थाना पिपलिया मंडी पर अपराध क्रमांक 312/2021 धारा 379 भादवी का मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया है। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाकर SDOP मल्हारगढ़ श्री त्रिलोक सिंह पवार के निर्देशन में टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी कार्य एवं आसूचना संकलन के माध्यम से लूनाहेड़ा पंटे से आरोपी गण सोनू पिता ब्रह्मो सिसोदिया जाति सांसी उम्र 23 साल निवासी करिया तहसील पचोर जिला राजगढ़, दूसरा एरुड़ा पिता प्रकाश उम्र 33 साल जाति सांसी निवासी ग्राम गुलखेड़ी जाटखेड़ी तहसील पचोर जिला राजगढ़ को घेराबंदी कर पकड़ा गया। मौके से आरोपियों के कब्जे से 1 देशी पिस्तौल 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस द्वारा आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त चोरी की कार्य किया गया। आरोपीगण अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य होकर उनके द्वारा पूर्व में कार्य घटनाओं का खुलासा किया गया, जिसमें फरवरी 2021 में सितामो के लजुना तिराहे पर 55,000 रुपए की चोरी, दिनांक 29/6/2020 को थाना सुवासरा क्षेत्र में नया बस स्टैंड पर 1,03,000 की चोरी तथा जिला दमोह में बैंक से 5,00,000 रुपए की चोरी की घटना को खारिज करना स्वीकार किया। प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपी गण का PR लिया जाकर पूछताछ की जाएगी, जिनमें से अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। 3 बजे की है, कल 3 बजे रूपी गांव के रहने वाले किसान है धनराज पिता कन्हैयालाल पाटीदार, वो कृषि उपज मंडी मंदसौर से अपनी फसल बेच के आ रहे थे और फसल के करीब 1,10,000 रुपये ट्रैक्टर में जो डिक्की रहती है उसमें रख रखे थे। चौपाटी के करीब वहाँ पे 3 बजे चौपाटी के पास में कोई अज्ञात बदमाश जो है वो 1,10,000 निकाल के ले गया था, इसकी रिपोर्ट जो है थाने पर की थी। घटना के आसपास जो घटना हुई थी उसके आसपास CCTV फुटेज थे, उनको देखकर जो उनके हुलिया था उसका पता लगाया गया और उन हुलिया के व्यक्तियों को चारों तरफ टीमें रवाना की गई। उसमें हुलिया के आधार पर जो है आरोपी दोनों को पकड़ा। दोनों आरोपी जो बड़ी शातिर गैंग के सदस्य थे, सासी गैंग है, यहाँ पे खड़िया सासी के रहने वाले हैं राजगढ़ जिले के, पहले भी इनने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। सीतामऊ में, सुवासरा में और दमोह में इनने करीबन 5-7 लाख रुपये की चोरी करी है। वो सारी घटनाओं का खुलासा हुआ है। आरोपियों के कब्जे से 1 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा राउंड भी मिले हैं, जिन पर 25-27 आम सेफ्टी भी कायम की गई है। मसरू का इनसे देसी पिस्तौल जब्त थे और 3 जिंदा राउंड है। किसान की जो पूरे 1,10,000 रुपये थे वो पूरे के पूरे इनसे बरामद हुए हैं। ये कहाँ से थे आरोपी? वारदात कैसे? बाइक से थे, वारदात कभी भी घूमते रहते हैं और जो भी किसान मंडी से आते जाते हैं उन पर निगाह रखते हैं, जैसे इनको मौका मिलता है अपने पैसे पे हाथ साफ कर देते हैं।